विधानसभा उठिला खरस्रोता आंदोलन प्रसंग। कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र राज्य सरकार को टार्गेट कले। से कहले जल संपद विभाग बिना अनुमोदन रे प्रकल्प चली आंदोलन जारी रही। सेठी पुलिस लगाई जो भी प्रकल्प चली तालिबान शासन भली। सेपटे गृह से जवाब रखी आली विधायक प्रताप देव कहते जल संपद विभाग अनुमोदन रही, पुलिस किसी भी भूल करनी, प्रकल्प संपर्क में विभ्रांत करी आंदोलन करा घरे घरे पानी पहुंचाइबा उद्यम करा। जिला प्रशासन को निर्देश क्रमे कविशजनगर कल्याण मंडप ठारे ओर मास ओडिशा जीविका मिशन मिशन शक्तिर मिलित अनुकूल रे दीनदयाल उपाधि ग्रामीण कौशल योजना रे बेकार युवक युवती मानको निजुक्ति सुजोग देबा उद्देश्य रे एक मेला अनुष्ठित होइ जैछि। उक्त कार्यक्रम रे गोष्ठी उन्नयन अधिकारी वासुदेव नायक अध्यक्षता करथिबा बेले ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार पाढ़ी मुख्य अतिथि भाव उद्घाटन करथिले। जीविका मिशन रो ब्लॉक प्रकल्प परिचालक राजकिशोर साहू, मिशन शक्तिर प्रकल्प संयोजक सुभाषित सेठी, ब्लॉक जीविका मिशन संयोजक गणेश साहू, राकेश कुमार पात्र, सुकांत साहू सहयोग करथिले। प्रथम करी कविशजनगर ब्लॉक नंदियागड़ा, सुनारी झोला, बोलसर एवं बालियासरा पंचायत को नहीं एही निजुक्ति मेला अनुष्ठित होता। एही चारोटी पंचायत 18 वर्ष रु 35 वर्ष मध्य मोट 115 जन युवक युवती पंजीकरण करथिबा बेले सेतुरु 90 जन विभिन्न ट्रेनिंग पाई मनोनीत होइथिला। अफगानिस्तान को दखल करिबारे तालिबान सफल होइथिले मध्य अन्य देशरु समर्थन पाई पारि नाही। तालिबान आग को निज सरकार गढ़िबा को जाउथिया बेले एबे देश को आर्थिक सहायता जोगाउथिबा दाता माने टंका देबा को मना कर दैछंती। नूतन तालिबान सरकार कारबार करने को सेमान को बारण कर आग को आर्थिक सहायता जोगाइबे नाही बोली कहिछंती। तेबे एबोली हेबा द्वारा अफगानिस्तान रे स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो बोली जणापड़िछि। आर्थिक सहायता बंद हेबा परे अफगानिस्तान रे थिबा 2300 डाक्तरखाना मधुरु 90% डाक्तरखाना बंद हेबा स्थितिरे बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन हु पक्षरु कुहाजाइछि। तेबे एबोली हेले अफगानिस्तान रे रोगीक सह मृतकक संख्या बढ़िबा बोली आशंका करा जाउछि। एबोली स्थितिरे हु 500 स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा उपकरण दे एही शून्य स्थान पूरण करबा को चेष्टा करूछि। सेप्टेम्बर मास 1 तारीख ठारु 7 तारीख पर्यंत सारा देश में पुष्टि सप्ताह पालन कराउछि। एही अवसर रे रायगढ़ जिलार समस्त समन्वित शिशु विकास प्रकल्प माध्यम रे प्रत्येक दिन विभिन्न अंगनवाड़ी केन्द्र स्तर में पुष्टि सप्ताह पालन कराइछि। आज कल्याणी सिंहपुर प्रकल्प अधीनस्थ सेरीग्रुमा केन्द्र में पंचायत स्तर में पुष्टि सप्ताह पालन होता। यही कार्यक्रम में जिला समाज मंगल अधिकारी जाज्ञसेनी बेहरा, समन्वित शिशु विकास योजना जिला कार्यक्रम अधिकारी कामाख्य मंजरी पाढ़ी, बाल्य बिवाह निषेध जिला परामर्शदाता रत्नेश्वर साहू और कल्याण सिंहपुर शिशु विकास प्रकल्प अधिकारिणी संजुराणी मिश्र समेत स्वास्थ्यकर्मी, आशा, अंगनवाड़ी कर्मी मैंने जोगद। निजर आगामी फिल्म थलाइभीर रिलीज पूर्व अभिनेत्री कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार को सिनेमा हॉल खोलिबा को अनुमति देवा को अपील करछंती, जेपरी फिल्म उद्योग बंचीजीव। निज इंस्टाग्राम रे स्टोरी माध्यम रे से महाराष्ट्र सरकार को अपील करछंती। से कहिछंती महाराष्ट्र रे कोरोना मामला मध्यरे मु महाराष्ट्र सरकार को राज्य रे सिनेमा हॉल खोलिबा को अपील करछि ओ शेष हेबा को थिबा सिनेमा उद्योग ओ थिएटर व्यवसाय बंचाइबा को अनुरोध करछि। मंगलवार सकाळु निज इंस्टाग्राम रे स्टोरी रे एक से नोट लिखिछंती। से लिखिछंती महाराष्ट्र रे रेस्टोरां, होटल, कार्यालय, लोकल ट्रेन सबु चालुछि, किंतु कोरोना जोगु सिनेमा थिएटर बंद रहिछि। महाराष्ट्र सरकार को कोविड नियम अनुसार कोरोना केवल सिनेमा हॉल थिएटर रे ही व्यापुछि। केन्द्रापड़ा जिला बारग्रामर जड़े व्यक्ति घर आज सका जिला अबकारी विभाग विपुल परिमाणे नकली मद बोतल जबत करने सहित जनक गिरफ्त कर। बारग्रामर श्रीधर दास निज घर विदेश मद या विशेष सूत्र केन्द्रापड़ा जिला अबकारी विभाग खबर पाई चढ़ाऊ करते चढ़ाऊ बेले अभियुक्त घर 100 बोतल नकली मद सहित नकली सिल और सरकारी लोगो खाली ठिपी भिन्न भिन्न कंपानी नाम खाली बोतल जबत कर। अभियुक्त श्रीधर दास को गिरफ्त ढेंकानाल सहर मध्यर मुख्य रास्ता सहर मध्य दे जाइथिबा वार्ड नंबर 2-3 कुंजकांत, वार्ड नंबर 20-21 गोपबंधु बाजार, वार्ड नंबर 16-17 जगन्नाथ रोड शासन छकठारु गोपाल सागर स्कूल मुख्य रास्ता उपरे नर्दमा पानी और अळिया आवर्जना परिपूर्ण होई अस्वाभाविक परिवेश सृष्टि होईछि। ए दिगरे पौर प्रशासन निरवद्रष्टा साजिबा जनसाधारण रे असंतोष प्रकाश पाइछि। एही सबु मुख्य रास्तारे खाल खमा होई कादुओ जमीवा द्वारा चलाचल रे बाधा उपजिबा सह दुर्घटना घटुछि। ए रास्ता दे कटक ठारु अनगुल पर्यंत सह सह जान चलाचल करिबा सह सहर बासिंक एहा मुख्य रास्ता अटे।
ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ସହରବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଖାନା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ କ'ଣ ଧାରଣା? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଚୂଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1096 ଗୋଟି ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 350 ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଡିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଫଳରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ 4 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ସୁଳିଆପଦା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପେଶା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପୀଡ଼ିତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ 5ମ ବାଟାଲିୟନ ଦ୍ୱାରିକା ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଯମୁନା ଟୁଡ଼ୁ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଫେରି ତେଲ କମ୍ ହୋଇଛି କହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଯମୁନା ଟୁଡ଼ୁ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି ପିଟିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତ 2/9/2021 ତାରିଖରେ ସୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବିଜେଶ କୁମାର ରାୟ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ 2020 ଏହି ଡିଜିପି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏସ୍ପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ।